को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। लॉकडाउन की अवधि बढ़ते देख प्रवासी मजदूरों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। किसी भी तरह सभी घर लौटने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। प्रवासी मजदूर तो लौटकर घर आ ही रहे हैं, लेकिन कैसे, ये एक चिंता का विषय है। स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है, कुछ बसों से आ रहे हैं, कोई ठेले गाड़ी से घरों के लिए निकल पड़े हैं, कोई साइकिल से आ रहे हैं, तो कई मजदूर पैदल ही मीलों की सफर तय करके अपने घर लौट रहे हैं। इन तमाम असुविधाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विचलित हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर। कई जगह से हमें ये जानकारी मिल रही है कि लोग पैदल चल रहे हैं, कोई रेलवे ट्रैक से चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई पैदल से चल रहा है, और कई जगह पर मजदूरों की मौत हो रही है, कई जगह पर बड़ी घटनाएं घट रही हैं, और मैं इस घटना से काफ़ी मर्माहत हूँ और काफ़ी दुखी हूँ। इसलिए ये संदेश मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखें, आप जिस राज्य में हैं उसी राज्य में रहें, और जो हम लोग आपके लिए सहायता नंबरों को हम लोग जारी कर रहे हैं उसमें आप संपर्क करें ताकि हम लोग आप लोग को सुरक्षित राज्य में ला सकें और आपको सुरक्षित आपके गंतव्य तक पहुँचाएँ, ये हमारा संकल्प है। कृपया कोई भी ऐसी राह ना ले जो आपको कल आने वाला समय में मुसीबत उठानी पड़े। उन्होंने पहले भी कहा था, जरूरत पड़ेगी तो हवाई जहाज से अपने प्रवासी मजदूर साथियों को झारखंड लाएंगे, और उसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने आज फिर कहा है कि हम अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए चिंतित हैं, गंभीर हैं, और उनको हर हाल में लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हर संभव प्रयास करेंगे। इसी के मद्देनजर केंद्र से एनओसी की मांग की है ताकि हवाई जहाज से प्रवासी मजदूरों को ला सके। बहुत जद्दोजहद के विनती के बाद तो ट्रेन की परमिशन मिली है। उनसे हमारा ये भी आग्रह होगा जो भी आंकड़े हैं आपके पास देश को बता दें सही सही, और हमने जो गृह मंत्री को अभी अपने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज की मांग की है उसकी परमिशन कब देंगे ये भी बता दें जल्द से। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जैसे ही केंद्र से एनओसी मिलेगा एक एक प्रवासी मजदूरों को जैसे भी हो सड़क से, रेल मार्ग से, चार्टर्ड प्लेन से हम लेकर आएंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक बड़ी घोषणा, चार्टर्ड प्लेन से प्रवासी मजदूरों को झारखंड लेकर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रैवल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।